सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ कविता। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोगों को एडवांस में हैप्पी राखी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। इस मंथ बहुत ही सारे फेस्टिवल्स हैं, सो उसे आपको पता लग गया होगा कि हमारी वीडियो का टॉपिक आज का क्या है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चेक आउट आ जाते हैं। ये है एक येलो कलर की शर्ट एंड इसके साथ मैंने शर्ट वेयर की है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे मैंने एक शर्ट के साथ ये अपना एक प्लाजो था मेरा, एक शरारा। सो मेरा ये शरारा है, मैंने उसके साथ ये येलो शर्ट। मतलब मोस्टली लोग तो फेस्टिवल्स पे सूट साड़ी या ऐसी कुछ पे पहनते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको यूनिक सा पहनने का मन होता है। सो वो लोग, उन लोगों के लिए, उनकी चॉइस के लिए मैंने, ये है मेरा एक शरारा था, कुर्ती एंड शरारा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एक्साइटिंग किया जाए, तो मैंने इसके साथ, ये मेरी एक शर्ट है, हाफ शर्ट है, येलो कलर की नॉट वाली है, यहाँ पर से देख सकते हो आप, इसको हम नॉट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसको मैंने पहना है, और इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। सो अगर आपके पास भी कोई शर्ट है एंड किसी कुर्ती के साथ का कोई शरारा या प्लाजो है, तो आप उसको शर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं, है ना एक मस्त आइडिया। तो स्क्रीन पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्लाजो के साथ शर्ट। अगर आप भी थोड़ा यूनिक पहनना चाहते हैं तो प्लाजो के साथ आप अपनी शर्ट को ट्राई कर सकते हैं और इस तरह अपना एक लुक बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। तो नेक्स्ट है शरारा सेट। ये है शरारा सेट, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कितना प्रिटी कलर है। उस पर कलर उतना अच्छा नहीं आया, बट ये लाइट स्काई ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा है। ये मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से और बहुत ही कम रेंज में है, लिटरली ये 550 या ऐसे समथिंग है। मतलब इस रेंज में अगर आप सूट भी चलाने जाते हैं तो वो भी आपको इससे महंगा पड़ेगा। ये इतना सस्ता पड़ा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना लाइट वेटेड भी है और बहुत ही क्वालिटी भी इतनी मस्त है। वट कैन आई से, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये फ्रंट। सो यू कैन सी दिस, इसके साथ है इसका प्लाजो। इसकी चुन्नी सिंपल चुन्नी है, चुन्नी कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, बट अगर इस प्राइस में हमको ये दोनों तीनों चीजें मिलती है तो ये बहुत अच्छा सेट है। एंड अगर आपको भी मंगा रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी भी टाइम है तो आप लोग मंगा सकते हैं, आपके लिए भी रक्षाबंधन तक आ जाएगा। इसमें भी कलर भी होंगे काफ़ी अवेलेबल, आप चाहें तो दूसरे कलर भी मंगा सकते हैं। ये एक और एक कुर्ती है पिट्टी सी। सो ये है रेडिश टाइप की है, हल्का सा पिंक रेडिश टाइप का है, तो इसको भी आप वेयर कर सकते हैं। छोटे मोटे फंक्शंस के लिए मंगाइए, मैंने जैसे ऐसे कभी फास्ट या कभी कुछ होता है तो उसके लिए, मेरी सिस्टर ने मंगाई है खैर, तो मतलब बहुत ही प्यारा कलर है इसका। देखो आप देख सकते हो, तो प्यारा सा लगता है इसको पहन के, इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आती है ना, बहुत ही सही, एकदम मस्त वाली। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है। एंड ये भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो ये भी एक कुर्ती एंड शरारा का शर्ट है, इसके साथ चुन्नी नहीं आई थी, इसके साथ कुर्ती एंड शरारा आया था। ये है इसका वाइट कलर का, इसमें एक शरारा आया है, शरारा तो प्लेन है वाइट कलर का, बट कुर्ती काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी सही है और इसका कलर भी जैसा आया था वैसा ही है, बिल्कुल निकला नहीं है। मैंने इसको 4-5 फंक्शंस में पहन लिया है अभी तक। आपको किसी फेस्टिवल्स के लिए परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी कुर्ती टाइप पहन सकते हैं। तो ये आप कुर्ती शरारा पहन सकते हैं, तो टाइप का कुर्ती शरारा दिखा देंगे मैं आपको। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों के पास लिटरली कपड़े नहीं होते, सो अगर आपको भी टेस्ट चेंज करना है अपने वार्डरोब का, सो आपको ड्रेस लेना होगा और अपनी मम्मी के वार्डरोब में जाके उनकी साड़ी चुरानी होगी, जैसे कि मैं चुरा चुकी हूँ। तो ये है मेरी मम्मा की साड़ी है, लुक एट दिस, बहुत ही प्रिटी है, काफ़ी अच्छी है।
तो इसका उनका ब्लाउज था वो मेरे साइज का था नहीं, एंड मम्मी लोगों का ब्लाउज पहनने में कहाँ ही मज़ा आता है, तो उसके साथ मैंने भी ये पहना था। ये मेरी एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, टॉप टाइप है, मतलब स्ट्रेचेबल है काफ़ी, ऐसे करके ब्लैक टी शर्ट टाइप है, फुल टी शर्ट है। तो इसको मैंने इनर वेयर किया था, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ब्लैक के साथ ये कलर कितना अच्छा जा रहा है। तो आप भी अपनी मम्मा की अलमारी से कोई भी साड़ी लेके उस पर हथिया सकते हैं आप राखी के लिए या किसी भी फेस्टिवल्स के लिए। सो अगर आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम समाप्त हो चुका है, तो जल्दी जाइए अपनी मम्मी की अलमारी खोजिए और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के पहन लीजिए। देखिए कितनी प्यारी पिक्चर्स आती है। एक्चुअली फेस्टिवल्स में पिक्चर ना क्लिक करें तो मज़ा नहीं आता, तो कोई डार्क कलर की साड़ी लें अपनी मम्मी के वॉर्डरोब से और उसको पहन लेंगे। होना मैं इतनी समझता हूँ, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सो मम को नहीं पता है, हम उसको जल्दी साइड रख देते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने वेयर किया है वो, सो ये मैंने वेयर किया है, ये मैं एक मिडी लेकर आई थी जब मैं दिल्ली गई थी कुछ टाइम पहले, मतलब पिछले साल समथिंग हम दिल्ली गए थे मेरी फ्रेंड एंड मैं। तो मैं वहाँ से ये मिडी लेकर आई थी, नीचे से बटन सी है और नीचे से उसका कुछ नहीं है, बट ये ना फ्रंट से भी हल्की सी डीप है एंड बैक से भी डीप है उसका काफ़ी डीप है। तो उसको मैंने एक वाइट कलर की टी शर्ट डाली है, देन उसके ऊपर से इस मिडी को डाला है, बिकॉज कुछ लोगों को हैवी पहनना पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को लाइट पहनना पसंद होता है। कभी कभी मेरा मन भी करता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम ना करके सिंपल लाइट पहनूँ। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कोई मिडी है तो उसको आप क्रॉप टॉप के साथ पहन के या किसी टॉप के साथ पहन के आप अपना एक लुक तैयार कर सकते हैं। सो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि ये लुक कैसा लगता है, अगर आपको भी ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ये थी ड्रेसेस जो आप राखी में वेयर कर सकते हैं। दो तीन ड्रेसेस जो मैंने दिखाई है मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, उन सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। और अभी टाइम है राखी आने पे, तो आप राखी में या किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा आइडियाज़ पसंद आए होंगे, अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ यू शुड ट्राई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैप्पी राखी इन एडवांस, बाय बाय गाइज।